झपकिला जाड़जू को भी बुलाया होगा और निर्मला को भी बुलाया होगा और तालछना कौल भी आई होगी। गाइस हमको तो कहाँ ही बुलाते हैं, हम ऐसे ही रहते छोटे मोटे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम से बढ़िया है। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के भीमताल शहर से। सबसे पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों का प्यार पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। गाइस आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो मेरे को एक हफ्ते पहले बना देनी चाहिए थी, एक हफ्ते नहीं लगभग 4-5 दिन पहले बना देनी चाहिए। बड़े दुख के साथ ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बड़े इमोशनल हो रखी हूँ, बड़ी सैड हो रखी हूँ। मेरा भीमताल आने का मकसद यही था कि हम लोग कहीं शादी में जाने के लिए एकदम से तैयार हो रखे थे, हमने अपने पैर जो है ना अपने सर पे रख दिए थे, हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी की और साड़ियाँ लगभग मैं 3-4 साड़ियाँ तो घर से लेके आई। यहाँ से हमारा गंगोली हाट नज़दीक पड़ता है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई पहले ही। यहाँ से मैं और मेरी बहन जाएंगे गंगोली हाट में, हमारे भाई की शादी थी जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है जो आप सभी को पता ही है, तो हमने सोचा हमको भी निमंत्रण देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा और बहुत ज़्यादा सैड इमोशनल जो भी है सब कुछ हो गया, मेरे को भी मेरी बहन को भी। आए होंगे वहाँ पे शादी में बहुत सारे लोग, झपकिला जाड़जू को भी बुलाया होगा और निर्मला को भी बुलाया होगा और तालछना कौल भी आई होगी। गाइस हमको तो कहाँ ही बुलाते हैं, हम ऐसे ही रहते छोटे मोटे। मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, खूब खुश रहो आप दोनों अपनी लाइफ में। मेरी सिस्टर को देख सकते हैं, ये जो साड़ी है ना ये हमने ऑनलाइन मंगा रखी थी और साथ में ना मेरी बहन ने ऑनलाइन स्मार्ट वॉच भी मंगा रखी थी। सब बारात की तैयारियां हो रखी थी हमारी लगभग। और आजकल जो जंतर चल रखे ना ये भी हमने शादी के लिए एकदम से मंगा रखा था नया नया वाला, हमारे पास कोई जंतर नहीं थी, हमने अभी सोने के जंतर नहीं बना रखे हैं साफ बात। तो गाइस क्या ही कहूँ मैं आपसे, मतलब यहाँ पे अब मेरी बहन कहना चाहेंगी कुछ एक दो बातें, मतलब कितना रोना आया आपको उस शादी के दिन, जो वीडियो आपने रील से एकदम से इंस्टाग्राम पे देखी, यूट्यूब पे देखी, बबीता के साथ शादी होगी, ये है वो है करके कितना जब रोना आया और हमको क्यों इन्वाइट नहीं किया, कितना क्या कहना चाहोगे आप? तो गाइस ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ओका ने हमें नहीं बुलाया, तो मैं तो बहुत ही आस लगा के बैठी थी कि ओका हमको जरूर बुलाएंगे करके। और मैंने ना साड़ी भी ले रखी थी और जंतर भी मंगवाया था, 4 दिन से इसमें मंत्र पाड़ पाड़ के मैंने आज इसको पहन रखा है बड़ी मुश्किल से और बड़े इमोशनल होके, और मुझे बुरा भी लगा। और मैंने कहा भाई गंगोली हाट तो जाना ऐसा वैसे ही है, शादी तो हो गई, अब नामकरण की बात रही, नामकरण होगा 1-8 साल बाद, तो भाई मैंने कहा तब तक तो नई साड़ी नया फैशन आ जाएगा, तो मैंने कहा आज इसको पहन के यूज ही कर लेती हूँ, शादी में तो बुलाया नहीं गया तो अब कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही ठहरा इन सबको, तो मैं आज मैंने इनको इस्तेमाल कर लिया। और मैं ना अब रील्स भी बना रही हूँ, तो मेरे रील्स देखने के लिए ना नोवी उत्तराखंडी ब्लॉग को फॉलो कीजिएगा, यूटी नोवी करके इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी ना। उनकी शादी के लिए दीदी ने फटाफट घर में काम करा, लहसुन खाना वहाँ पत्तना चाणहर मसूर सब चूट चटवे में सब काम कर कुरवे यहाँ है, मैं लास्ट में उनको न्यू तो नहीं आई वो निंजा भोज पूरे धार में ठड़े रहे निंजा भोज का न्यू तो नहीं रही। ये लगे बाद भी एक सोचना बात छू, निंजा भोज का न्यू तो नहीं आई, निंजा भोज बेई रहा डाड़ मार मार बे जो तमाश कर दी, फिर मेन छुपा बड़ मुस्किनल, मैं इनको हगो चुप जा तू का मोमो आई खून का बे बड़ मुस्किनल लगा छुपा, तो थोड़ा थोड़ा चुप है मोमो लाल चल। वरना यहाँ पे जितनी भी मेरी बहन ने बातें की ना सब बातें एकदम से सच है। घर से मैं लाई थी 4 साड़ियाँ, एक मेहंदी के लिए, एक हल्दी के लिए, एक बारात जाने के लिए, एक बारात आने के लिए, बारात भी पता नहीं कहाँ गई थी, देवी धरा गई थी ये मुझे नहीं मालूम, मैंने रील्स में ही देखी, इसीलिए मेरे को आज ये ब्लॉग मजबूरन बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो ब्लॉग डाल दी थी लेकिन मेरे बनाने का कोई मकसद नहीं था, बहुत ज़्यादा गुस्सा और इमोशनल में थे हम दोनों बहनें। और ओका से और क्या ही कहें, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, खुश रहो तुम दोनों अपनी, मेरे तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन और आप दोनों ना हमेशा खुश रहो और सबको हंसाते रहो। तो गाइस शादी में जाने के लिए यहाँ पे ना मेरी बहन ने ना पैर के नाखून भी पाल रखे थे और ये है साड़ी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से सफर में ना हमको साड़ी जो है मतलब हैवी वाली नहीं पहननी थी, तो इसीलिए ये वाली साड़ी मेरी सिस्टर ने मंगा रखी थी। अब क्या ही कहे, कुछ कहना नहीं आ रहा है, बहुत दुख की बात है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो अब क्या करूँ, आई थी शादी के लिए, यहाँ से थोड़ा नज़दीक हो जाएगा गंगोली हाट करके यहाँ पे आई थी मैं, अब जाती हूँ कल को सीधे घर की तरफ। तो गाइस क्या ही कहूँ, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, इतना ही कहना चाहती हूँ, इतना बुरा भी हमको नहीं लगा है लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छी दुल्हन है और हम लोगों ने वीडियोस भी देखे और रील्स भी देखे इंस्टाग्राम में जितने ने भी डाल रखे थे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तुम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताओ, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे और खूब हैप्पी हैप्पी रहो, अच्छे अच्छे रील्स बनाते रहो जैसे बनाते रहते हो। तो ये वीडियो मेरे गंगोली हाट के एक सेलिब्रिटी के लिए थी जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ,
इसीलिए मेरे को आज तक वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला। तो जैसे कि आप सभी को पता है तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ छोटी मोटी, ओका को ना अपने चैनल के माध्यम से ना बधाइयाँ देना चाह रही हूँ। ओका की जिंदगी खूब हंसी खुशी गुजरे, आपकी लाइफ हैप्पी हैप्पी रहे और शादी की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। तो मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवी उत्तराखंड। पहला